भारत को था जिसका डर ऋषि सुनक ने वही कर दिया। ब्रिटेन में पहला भारत विरोधी फैसला, नए पीएम का नया रूप, ऋषि सुनक ने भारत की उड़ाए होश, भारत की उम्मीद हुई चकनाचूर। जी हाँ दोस्तों, इस समय ऋषि सुनक की तरफ से जो काम कर दिया गया है उसकी उम्मीद ना तो भारत के लोगों को थी और ना ही भारत की सरकार को थी। ऋषि सुनक के पीएम बनने के तुरंत ही बाद ऋषि सुनक की तरफ से कुछ ऐसा फैसला ले लिया गया है जो कि साफ साफ भारत के विरोध में जाकर निकल गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, भारत के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऋषि सुनक की तरफ से ऐसा काम वो भी इतनी जल्दी कर दिया जाएगा। ऋषि सुनक की तरफ से उठाए गए फैसले से ये तो पता चल जाता है कि ऋषि सुनक भारत के फायदे का सौदा नहीं करेंगे, बल्कि ऋषि सुनक को जहां फायदा दिखेगा वहां वो अपना कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वैसे ऋषि सुनक की तरफ से भारत के विरोध के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों ये बात आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी कि ब्रिटेन के ऊपर आजादी के 75 साल बाद भारत ने अपना दबदबा बना लिया है। आज वहीं भारत का एक नागरिक ब्रिटेन के ऊपर अपनी कमांड रखने वाला है। जिस देश ने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया, हमने उस पर आजादी के 75 साल बाद ही अपना दबदबा बना लिया और इसे देखने को भी मिला कि देश का हर एक नागरिक खुशी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। देश के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम बनने के लिए बधाई भी दी। खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि सुनक को ब्रिटेन के पीएम बनने की बधाई दी। दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग फोटो शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें ऋषि सुनक पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऋषि सुनक के डेस्क के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति रखी गई है, उस फोटो को भी लोग जमकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। दोस्तों हमें देखने को मिला ऋषि सुनक पीएम बनने के बाद जब मीडिया के सामने आए और बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने उनके हाथ पर नोटिस किया कि एक लाल कलर का धागा बंधा हुआ है जिसको कलावा कहा जाता है, और इसको हाईलाइट करते हुए भारतीय मीडिया ने ये तक कह दिया था कि ऋषि सुनक सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और वो भारत के हितों में काफी बड़ा काम कर सकते हैं। और पूरे देश को ये उम्मीद थी कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद ये नहीं भूलेंगे कि उनका जन्म किस देश में हुआ है, और इसी को लेकर लोग बोल रहे थे कि वो भारत के साथ साथ अपने रिश्ते को लेकर अच्छे चलेंगे और भारत और ब्रिटेन के बीच में कई बड़ी डील को लेकर मंजूरी भी देंगे। दोस्तों हमें देखने को मिला ऋषि सुनक अपना पद संभालने के 24 घंटे के भीतर ही कुछ ऐसा फैसला ले चुके हैं जिसको भारत के लोगों को सुनकर काफी ज्यादा निराशा भी हो सकती है। और ऋषि सुनक को पीएम पद संभालने के बाद सबसे पहले अपनी कैबिनेट चुननी थी, इसलिए ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक की नियुक्ति के 1 घंटे के भीतर ही एक्शन में नजर आए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा में पहले पूर्व पीएम लिज ट्रस की मंत्रियों की टीम के कई सदस्यों से इस्तीफा देने के लिए कहा। ऋषि सुनक ने मंगलवार को ही ब्रिटेन के किंग चार्ल्स 3 से मुलाकात की थी। किंग ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का अगला पीएम नियुक्त किया था। अब तक 4 मंत्रियों को पद छोड़ने के लिए कहा जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि इसमें व्यापार सचिव जैकब रिस-मॉग, न्याय सचिव, कार्य और पेंशन सचिव और विकास मंत्री भी शामिल थे। ऋषि सुनक ने अपने कैबिनेट का भी ऐलान किया है जिसमें हमें एक नाम ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि पूरी तरीके से एंटी इंडिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषि सुनक ने गृह मंत्री के रूप में सुएला वेबरमैन को चुन लिया है जिन्होंने भारत के विरोध में बयान दिया था। दोस्तों भारत के लोगों को आपत्तिजनक बात कहने के बाद उन्होंने 1 हफ्ते के बाद रिजाइन कर दिया था। हमें देखने को मिला था कि भारत की तरफ से काफी ज्यादा दबाव दिया जाने लगा था। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कैंसिल कर दिया था जिसकी वजह से इनके ऊपर दबाव पड़ा और उन्होंने अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक ने वापस इनको गृह मंत्री का पद दे दिया है। वैसे ऋषि सुनक की तरफ से इस तरीके का काम इसलिए किया गया है ताकि ऋषि सुनक ये दिखा सके कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भारत को खुशी हो, वो बल्कि ऐसा काम करेंगे जिसमें ब्रिटेन का फायदा हो सके। दोस्तों जिस तरीके से ऋषि सुनक की तरफ से काम किया गया है उस चीज से भारत को ये तो समझ जाना चाहिए कि ऋषि सुनक से भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आज जिस तरीके का काम ऋषि सुनक की तरफ से किया गया है उस चीज से ये बात तो साफ हो जाती है। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है, क्या ऋषि सुनक की तरफ से जो काम किया गया है वो सही किया गया है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लेकर अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों वहीं आपको बताते चले, शी जिनपिंग ने अपने भाषण में पीपल रिप्रेशन आर्मी यानी कि पीएलए की बात की है जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 तक पीएलए को वर्ल्ड क्लास की आर्मी बना दिया जाएगा। और हमें देखने को मिला कि चीनी राष्ट्रपति ने इस दौरान स्थानीय युद्ध पर जीत का ऐलान किया और इसको लेकर एक्सपोर्ट की तरफ से ये तक बोल दिया गया कि इस शब्द का चीन से सीधा मतलब भारत और ताइवान के लिए निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें हमें देखने को मिला कि चीन ने सीधा सीधा भारत और ताइवान को इशारा दे दिया। जिस तरीके से भारत और ताइवान के बीच में टेंशन बनी हुई है उसको देखते हुए चीन की तरफ से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और दोनों देशों को एक तरीके से इनडायरेक्टली चेतावनी भी दे दी गई है।
इसके अलावा हमें देखने को मिला कि तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने से पहले शी जिनपिंग ने 2020 में हुई गालवान घाटी में चिंता का वीडियो लोगों के सामने दिखाया। इस चीज से ये तो समझ में आ जाता है कि चीन की तरफ से इस तरीके की चीजें जो कभी भुलाई नहीं गया है, और इस चीज से ये भी साफ हो जाता है कि आने वाले समय में इन सभी चीजों को लेकर चीन काफी ज्यादा खतरा बनकर भी सामने आ सकता है। दोस्तों, चीन की तरफ से उठाए इन सभी कदम को देखते हुए इतना तो साफ हो जाता है कि भारत के साथ और भी लंबे समय तक चीन खराब संबंधों को झेलने के लिए तैयार हो चुका है। इस चीज को देखकर भारत को भी होशियार हो जाना चाहिए और भारत को भी चीन से सामना करने के लिए कोई न कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए और इस पर आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारत को लेकर चीन भयानक होता हुआ चला जा रहा है वो कहीं न कहीं संकेत देना हो गया है। जिस तरीके से चीन अपनी आर्मी को 2027 तक वर्ल्ड लेवल की आर्मी बनाने की बात कर रहा है, उसको देखते हुए भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। गालवान घाटी में भारत के मुंह की खाने के बाद चीन को इस चीज का एहसास हो गया था कि चीन की सेना काफी ज्यादा कमजोर है, और भारत ने ही इसको इस चीज का एहसास करा दिया था, और अब चीन इस चीज को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है जो कि आने वाले समय में भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता में आने से भारत को चार बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शामिल है भारत और चीन के बॉर्डर पर टकराव बढ़ सकता है, और शी जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति बने रहने से असीमित ताकत मिल जाएगी जिसका वो भारत और अपने दुश्मनों के लिए गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत हमारे सामने भी हो सकती है, यहाँ पर चीन बेल्ट एंड रोड परियोजना और पाकिस्तान में कॉरिडोर को और जोर शोर से बढ़ावा देगा। भारत के पड़ोसी देशों में चीन के सड़कों के निर्माण की वजह से चीनी सैन्य बलों की आवाजाही आसान हो जाएगी, और शी जिनपिंग की देखरेख में इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा जिसका विरोध भारत करता हुआ आया है। दोस्तों, इसको लेकर जो तीसरा खतरा बताया जा रहा है वो ये है, यहाँ पर चीन भारत को तीनों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम तेज कर देगा, और इसके लिए चीन श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान तीनों को और ज्यादा कर्ज के जाल में फंसा सकता है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। अगर हम चौथे खतरे की तरफ बढ़े तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर चीन हिंद महासागर में और आक्रामक हो जाएगा, और हिंद महासागर में बढ़ती ताकत भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत इसके लिए तैयार होगा? आपको क्या लगता है, क्या भारत इसके लिए तैयार है या फिर भारत को इसके लिए तैयार करनी होगी? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।